उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है और इस बार यूपी पुलिस ने जो कारनामा कर दिखाया है उसे आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस वाक्य को देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह रे यूपी पुलिस। देखिए एक रिपोर्ट। राहुल गांधी दिल्ली में भले ही कांग्रेस उपाध्यक्ष के तौर पर रहते हों, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के घर में नौकर भी हैं और एक किराए के मकान में रहते हैं। जी हाँ, चौकिए मत, क्योंकि इस प्रोफाइल की पुष्टि खुद यूपी पुलिस ने की है। वो यूपी पुलिस जो खुद को सजग बताती है और जिसके कंधों पर पूरे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है। जी हाँ, उसी पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह रे यूपी पुलिस। जरा इस तस्वीर को देखिए। ट्विटर पर जारी इस फॉर्म में नौकर के फोटो की जगह कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है। इतना ही नहीं, नौकर का नाम भी राहुल गांधी ही है और पिता का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी भी लिखा हुआ है। पता भी 12 तुगलक लेन नई दिल्ली लिखा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है इस फॉर्म पर पुलिस के सत्यापन की मुहर, जिसे यूपी पुलिस ने बिना किसी जांच के सत्यापित कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब इंदिरापुरम की एक सोसाइटी HRC प्रोफेशनल में घरेलू सहायकों के लिए उनकी सत्यापन फॉर्म का निरीक्षण चल रहा था और इस दौरान सामने आए इस फॉर्म ने सबको हैरत में डाल दिया। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं और इतना ही नहीं, वो यूपी के अमेठी से सांसद भी हैं। ऐसे में यूपी पुलिस का लापरवाह रवैया उसकी कार्यशैली और दावों पर कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, यह गाजियाबाद पुलिस की बड़ी चूक है और अगर इसी तरह से पुलिस लापरवाही के साथ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बांटती रही तो आतंकियों को आसानी से प्रदेश में पनाह मिल सकती है। देखते रहिए टीवी लाइव।